जॉब एनालिसिस थर्ड टॉपिक है आपका। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। 26 जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिससे हमें लगे कि जॉब को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से काम कंप्लीट करने चाहिए या फिर उसके लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जॉब के लिए, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस को आगे दो तरीके से बोलते हैं। अगर जॉब एनालिसिस आप काम कर रहे हो तो जॉब एनालिसिस दो तरीके से होगी। एक तो होगा जॉब की डिस्क्रिप्शन, एक आती है जॉब की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होती है। जॉब की डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब का टाइटल, कौन से काम के लिए आप किसी बंदे को रखने जा रहे हो, जॉब की लोकेशन किस जगह पे आपको काम करना है, जॉब की समरी जॉब में कितना टाइम कितने घंटे आपको काम करना हो, किस तरह से काम कंप्लीट करना है, जॉब में ड्यूटीज आपकी क्या क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो इसमें आ जाएगा, वर्किंग कंडीशन आपको जॉब में कैसे मिलने वाली है और जॉब में हैजर्ड काम करने के लिए आपको कौन कौन से नुकसान आपके साथ हो सकते हैं, इस सभी चीजों को बोला जाता है जॉब की डिस्क्रिप्शन। मीन्स जॉब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आपको दे दी जाती है। फिर आता है जॉब की स्पेसिफिकेशन। जॉब की स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जॉब को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट रखा है तो हमें स्किल्स क्या चाहिए, आपके पास एचआर डिपार्टमेंट वाला कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए और प्लस आपकी स्टडी भी वैसी होनी चाहिए प्लस एक्सपीरियंस, क्योंकि जब स्पेसिफिकेशन की बात की जाएगी किसी स्टैंडर्ड जॉब में आपको रख रहे हैं तो उसमें आपका एक्सपीरियंस ऑलवेज मांगा ही जाता है। फिर क्वालिफिकेशन, कितनी स्टडी आपने उसमें कंप्लीट की है, ये भी आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन में ही आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको जॉब काम कंप्लीट करनी है उसमें आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी प्लस उससे इमोशनल करेक्टरिस्टिक। बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक या फिर स्पेशल करेक्टरिस्टिक मांगे जाते हैं कि आप में ये एबिलिटीज होनी चाहिए तो आप इस जॉब पे आ सकते हैं, अदरवाइज आप इस जॉब पे नहीं आ सकते। जैसे बहुत सारी जॉब हम देखते हैं जिसमें बोलने स्पेशल आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए तो विदाउट इंग्लिश हमें लगते ही नहीं है बोलेंगे, तो कस्टमर से जो आपको हिंदी प्रॉपर आनी चाहिए तो वहां पर वैसा भी काम चलेगा। आगे बात करते हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब डाटा। जॉब के रिलेटेड जो चीजों की भी जरूरत है, मतलब जॉब में जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है या फिर जॉब के लिए जो स्किल्स मांगी है, इनमें जॉब के रिगार्डिंग जो भी डाटा अगर आपको इकट्ठा करना है तो किस तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे पहले मेथड हमारे पास आ रहा है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, बंदे से बातचीत की जाएगी और उसको पता भी नहीं लगता कि जब से उनसे इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, बातों बातों में क्वेश्चनिंग में बंदे से आंसर ले लिए जाएंगे और उसको पता भी नहीं लगता कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अच्छे बन के आएंगे, मीठे मीठे बन के आएंगे, बातचीत करेंगे आपसे, हमसे इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे, बाद में पता लगता है कि हमारा ही लॉस करके गए, हमारा फायदा हुआ या कुछ भी बाद में पता लगता है। दूसरा हमारे पास मेथड आता है इंटरव्यू मेथड। स्पेशली हर एक पर्सन को इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी और जॉब के रिगार्डिंग उसको सूटेबल मानते हैं या नहीं मानते तो उसके बाद में पता लगता है जब इंटरव्यू का रिजल्ट निकलता है। हम लोग देखते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने चले जाओ, 2-3% इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो एक चेकलिस्ट बना के बैठे होते हैं, क्वेश्चनिंग करते चले जाएंगे, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमें नंबर देते चले जाएंगे, जो बंदे हायर नंबर ले जाते हैं वो मतलब उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो पीछे रहते हैं उनको बाहर करते हैं। तीसरा हमारे पास आ रहा है क्वेश्चनेयर। अगर बहुत सारी जॉब ऐसी भी होती हैं कुछ लोगों को उनको लगता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, इंटरव्यू हैंडल करना मुश्किल है, तो पहले क्वेश्चन पेपर डालेंगे, क्वेश्चनेयर सेटअप कर देंगे, जो क्वेश्चनेयर क्लियर करेंगे उसके बाद उनको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेकलिस्ट रेडी कर ली जाती है। जो जो बंदा उस चेकलिस्ट में बेटर चलेगा, जैसे हम बोलेंगे मैं बोलूँ किसी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है तो वो ऑन स्क्रीनिंग इंटरव्यू में ही किन लोगों को पास कर लेते हैं, बहुत लोगों को, जैसे बोले जॉब जैसे ही आपकी कंपनी में एंटर करेंगे आपके एंट्रिंग स्टाइल पे, आपके बैठने के स्टाइल पे प्लस वेटिंग स्टाइल पे कितने बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे एम्प्लॉइज इंटरव्यू में बैठे हैं, कुछ पर्सन ऐसे उनको टिक के बैठा ही नहीं जाता, आगे वाले पर्सन को तंग करते रहना, बैठे हुए पीछे से किसी को पेपर मार रहे हैं कुछ भी मार रहे हैं, वो ऑनलाइन इंटरव्यू पहले ही होता है, उसको चेकलिस्ट में लेते हैं। बंदा जब यहाँ पर टिक के नहीं बैठ सकता, जब हमें कस्टमर के साथ बैठना तो वहां पर कैसे टिक कर बैठेगा, तो ये प्रॉब्लम चलेंगे। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड, आजकल बहुत सारे मेथड ऐसे चल रहे टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन सिस्टम में आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल चलेगी, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे पहले ही ले लेते हैं, या फिर आपको वीडियो स्क्रीन में बोलते हैं कि आप पहले वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देंगे, अगर उनको लगेगा कि आप वीडियो कॉल पे अच्छा बिहेव कर रहे हैं तब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरह से भी कई बार कंपनी में जो मेथड डाटा इकट्ठा किया जाएगा। पार्टिसिपेंट डायरी और लॉग मेथड, जब पार्टिसिपेंट को एक डायरी दे दी जाएगी उस डायरी में बंदा डेली बेस पे कैसे रिजल्ट लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी जॉब के रिगार्डिंग कर ली जाती है। पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द जॉब एनालिसिस, अगर किसी कंपनी में जॉब की एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कहता कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिपेंड करता है भी सपोर्ट फ्रॉम हायर इंडस्ट्रीज सॉरी हायर अथॉरिटीज। अगर हमें टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है तो प्रॉब्लम्स आने की कोई मतलब नहीं होती, प्रॉब्लम्स तब आती है जब आपको
हायर अथॉरिटीज आपकी सपोर्ट नहीं करती, आप लोग कुछ और सिलेक्ट करते हैं लेकिन हायर अथॉरिटी कुछ और मांग रही है, तो ऑटोमोड पे प्रॉब्लम्स आती ही है। सबसे पहले हमारे पास इन्होंने लिखा कि जॉब डिजाइन क्या होता है। जॉब डिजाइन का मतलब होगा कि जब आप जॉब के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला जॉब सिंप्लीफिकेशन मतलब कि आपको जॉब को स्मॉलर एक्टिविटीज में कैसे खत्म करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। मान लीजिए कंपनी में जॉब है अकाउंट्स की, अकाउंट्स में तो बहुत सारे काम है भाई, बिलिंग भी है, परचेज भी है, सेल भी है, टैक्स भी है, उसके बाद बैंक भी है, एक्सपेंसिव भी है, इनकम भी बहुत सारे हैं। अगर इसी जॉब को हम सिंपलीफाइड एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दें तो इसको बोलते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन। दूसरा इसमें आता है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि जॉब को आप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मैटर में इंक्रीज कर दें। मैं बोलूं कि बिलिंग में, अभी बिलिंग में 2% बिठा दें हम लोग, बिलिंग में से एक बंदा परचेज को देखेगा, एक बंदा सेल को देखेगा, खर्चों में एक बंदा जो खर्चे करने हैं प्लस दूसरा जो हमारे पास इनकम आने वाली है वो इकट्ठे बिठा दें। मीन्स ऐसे जब आप जॉब को इनलार्जमेंट में लेके चले जाते हैं उसको बोलते हैं कि जॉब इनलार्जमेंट। ये जॉब का डिजाइन होता है, बहुत सारी कंपनीज अपने हिसाब से चलती हैं। उसके बाद आता है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि जब हम हर एक फील्ड का अकाउंटेबिलिटी लेवल जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट आपका मैटर करता है कि आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क के ऊपर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। जब हमने अपने अपने माइंड से अपनी जॉब को डिफरेंट तरीके से बहुत जल्दी से कम्प्लीट करते हैं उसको बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट। फिर आती है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब है कि इंप्लॉयज को जब जॉब के ऊपर रोटेट कर देते हैं, सिंगल इंप्लॉयज को एक ही जगह पे लेवल पक्का ना करें, बार बार उससे और भी काम कंप्लीट करवाना, ये जॉब का डिजाइन होता है। बहुत सारे काम जैसे मैं लोग अकाउंट्स का ही काम है, अकाउंट्स में नंबर ऑफ पर्सन तो हमने डिवाइड कर दिए लेकिन डेली बेस पे आप रोटेट करेंगे इंप्लॉयज को कि आप सारे काम करिए ताकि कल को कोई बंदा जाए तो उसमें कभी किसी बंदे को कंपनी को प्रॉब्लम ना हो, कि अगर काम को हैंडल करना पड़ा बंदे का काम ना रुके, दूसरे बंदे उसको साथ में मिलकर कंप्लीट करवा लें। ये जॉब रोटेशन में हमारे जॉब डिजाइन में से चीजें चार आती ही आती हैं। फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी जॉब डिजाइन। ये जॉब डिजाइन के लिए हमने जो बात की, जॉब में ऐसे इन तरह से काम हो सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इनलार्ज भी कर सकते हैं, इनरिचमेंट भी कर सकते हैं और रोटेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कंपनी में प्रभावित करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में टास्क के कैरेक्टरिस्टिक्स सेट किए गए हैं और वर्क की प्रैक्टिस आपकी कंपनी में है ही नहीं, ये टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने कंपनी में सोचा होगा कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए इस तरह की हमें स्किल्स चाहिए प्लस जो पर्सन आएगा उसकी इतनी स्टडी होनी चाहिए, मान लीजिए आपको मिले ही ना पर्सन मार्केट में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। दूसरा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर का मतलब होगा कि जो आपने जॉब का डिजाइन सेटअप किया हुआ है, इंप्लॉयज को लगता है कि उनकी में एबिलिटी नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी मार्केट में, मैं एग्जांपल बोलूं कि आज के टाइम में गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब ऐसी निकलती है, कोई बंदा बोल रहे ग्रेजुएशन बेस पे, ग्रेजुएशन बोल मैंने ग्रेजुएशन किया मैं अप्लाई करता हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन में बोल देते हैं कि जिस बंदे ने साइंस में किया हुआ वही आए, स्पेशली जैसे बोले कि नेवी में जाना है या फिर आपको शिपमेंट लेवल में जाना है, जो गवर्नमेंट इंडियन की जो गवर्नमेंट की जॉब है या एयरलाइंस की जॉब में जाना आपको, तो वहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है, मैथ प्लस साइंस में स्टडी की हो, इतने परसेंट नंबर हो, स्पेशली उसमें इंग्लिश में 60% से अबव हो। बहुत सारे स्टूडेंट निकलते हैं, कुछ पर्सन रहते हैं इंग्लिश में नंबर ही नहीं आते, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ली ही नहीं होती साइंस, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स जनरेट हो ही जाती हैं क्योंकि इन्वायरमेंट फैक्टर है। सभी लोग थोड़ी ऐसे पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे मिलकर एक ही लेवल में चलने वाले पर्सन होते हैं, वो ऐसे कर रहा था मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद बिहेवियर फैक्टर। बिहेवियर भी फैक्टर मैटर करता है कि अगर मान लो कंपनी में किसी काम को कम्प्लीट करने के लिए नॉलेज स्पेशल चाहिए, वो बंदे का बिहेवियर वैसा है ही, हम बोले कि हमारी जॉब में ज्यादा प्रेशर है, बंदा बोले कि मैं प्रेशर में काम ही करना चाहता हूँ, मुझे काम ही नहीं करना, तो वहां पर भी मैटर करता है, ये प्रॉब्लम्स कंपनी में आती है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जो आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्योर स्पेसिफिकेशन आते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो कहता है आपको स्ट्रेटजी च्वाइस करनी होगी, किस तरह का काम अपनी कंपनी में करवाना चाहते हैं वो स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके लिए गैदर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए कि कहाँ कहाँ से हमें वो डाटा मिल सकता है। मीन्स अगर मान लीजिए मैं कोई इम्प्लॉयज फाइंड करने जा रहा हूँ तो मुझे वो इम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे। एग्जाम्पल हम बोलेंगे गवर्नमेंट आईपीएस ऑफिसर बनाती है, इसके लिए स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने सेटअप की हुई है कि आपको सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना उन्होंने स्ट्रेटजी सेटअप की हुई, यूपीएससी एग्जाम एक नहीं कि वन स्टेप में कम्प्लीट करेंगे और आप आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है, मे बी दो तीन एग्जाम करने पड़ते हैं, वो दो तीन एग्जाम में किस तरह से किस किस लेवल में बंदा स्टडी करके आएगा, वो स्ट्रेटजी आपको बनाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहां से इकट्ठी होगी जो तीनों लेवल में से बंदा इकट्ठा आगे निकल के आ रहा है। थर्ड रखेंगे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि हम लोग प्रोसेस फाइंड करेंगे कि काम को, मैंने जैसे बोला कि आईपीएस ऑफिसर लेके आना है, उसको कौन कौन सी प्रोसेस से निकाल के लेके आना है,
अगर वो बंदा सभी प्रोसेस से निकल के आएगा तभी बंदा आगे हमारे पास आ सकते हैं। फिर लिखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन, जब बंदे हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको किस जॉब के ऊपर सेटअप करना है। आईपीएस ऑफिसर किसी एक लेवल में तो उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में रख लिए जाते हैं, तो उनकी जॉब को डिफाइन किया जाएगा। फिर लास्ट में आता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन, कितनी कितनी नॉलेज बंदों को दी जाएगी, किस किस हिसाब से उनको जॉब के स्किल्स को कम्प्लीट करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, उसके हिसाब से हम उन बंदों को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जब मान लीजिए कोई बंदा आईपीएस ऑफिसर बनने जा रहा है, स्टडी तो मोस्टली सबने की होती है, यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हो अभी, प्लस टू के बाद ही बोल देंगे, प्लस टू के बाद भी आप दे सकते हैं, तो उसमें प्लस टू में तो कोई बंदा कॉमर्स में है, कोई बंदा साइंस में है, कोई बंदा वोकेशनल में है, सब लोग अप्लाई कर तो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको जॉब पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आने वाली है। कॉमर्स वाले पर्सन कॉमर्स लेवल जगह में चले जाएंगे, जो वोकेशनल वाले वो टेक्निकल में चले जाएंगे, वो अलग अलग दिशा में वैसे ही आगे रोटेट कर लिए जाते हैं। फिर आता है यूज ऑफ जॉब एनालिसिस, ये जो जॉब एनालिसिस है इसको कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, हम जॉब के लिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस सबसे पहले जॉब को डिजाइन करने के लिए किया जाएगा, किस तरह से कंपनी की जॉब होगी, अगर जॉब को रीडिजाइन करना है तो वहां पे भी जॉब एनालिसिस पहले करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब रीडिजाइन का मतलब जब जिस तरह से कंपनी में काम चल रहा है उस काम को आप चेंज करना चाहते हो तो वहां पे भी जॉब एनालिसिस हो सकता है। डिस्केरिंग असाइन ड्यूटीज, आपको ऐसा लगता है कंपनी में जो ऐसी ड्यूटीज किसी को असाइन नहीं की जाती थी, वरना खुद करता था, आपको लगता है किसी को असाइन करनी है तो ड्यूटीज किसी को बांटना चाहते हो तो भी जॉब एनालिसिस कर लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट करनी है कंपनी में तो जॉब एनालिसिस करना जरूरी है ना, रिक्रूटमेंट में क्या होगा, किस प्रकार के बंदे चाहिए, कौन सी जॉब के लिए पसंद हमें चाहिए, तो जॉब एनालिसिस होना जरूरी है। सिलेक्शन, जो एम्प्लॉइज आपने सिलेक्ट करने, इंटरव्यू रख लिया या फिर कोई मेथड पेपर रख लिया, उसमें किन लोगों को सिलेक्ट करना है, हो सकता है भी सारे के सारे बच्चे पेपर क्लियर करके बैठ जाएं, इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे अच्छा आ जाए, सभी को थोड़ी सिलेक्ट करना है, तो उसके बेस पे हमें रिजल्ट किस हिसाब से निकालना है। फिर आता है कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा किस हिसाब से देना है, मीन बहुत सारे कई बार ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि हम जिस प्रकार के लोगों को फाइंड करने बैठे थे वो हमें मिल ही रहे हैं, तो उनमें से किस प्रकार के लोगों को फाइंड करें, कौन से ऐसे पॉइंट है जिन फैक्टर को इग्नोर किया जा सकता है सिलेक्शन के टाइम पे, तो वो चीज भी वो देखने के चलते हैं। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब एनालिसिस में ये भी जरूरत होती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस प्रकार की देनी है। जब आपको पहले जॉब का डिजाइन पता होगा, जॉब का प्रोसेस पता होगा, तभी आप ट्रेनिंग देंगे, ऐसे तो नहीं है जो मर्जी एम्प्लॉयज है उसको ट्रेनिंग देंगे भी भाई ये काम करना है, ऐसा तो नहीं है, बंदा अपने फील्ड के अकॉर्डिंग ही कंपनी में काम करने आता है। ये था आपका टॉपिक जॉब एनालिसिस वाला, जो हुआ खत्म। जॉब हैजर्ड का मतलब होता है कि जॉब के ऊपर कई बार कई चीजों के नुकसान होने का डर होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी मशीन पे काम कर रहे हैं, मशीन हमें पता है मोशंस में काम करती है, उसमें हैजर्ड्स हम बोलते हैं कि जो एडल्ट पर्सन है वही काम करेंगे तो बेटर रहेगा, ओल्ड एज वाले पर्सन को या किसी माइनर को बिठाओगे तो उनमें भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एडल्ट पर्सन होंगे वही काम कर सकता है मोशन में, तो ये जॉब के रिलेटेड जो नुकसान हो सकते हैं एक्चुअल में लगता है तो पहले ही क्लियर कर दिए जाएंगे। कोई और क्वेश्चन देखिए थर्ड टॉपिक में आपको लगता हो जॉब एनालिसिस में, नेक्स्ट करें फिर रिक्रूटमेंट, बहुत छोटा सा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है डिस्कवर द सोर्स ऑफ मैन पावर, जब हमें मैन पावर की जरूरत है और ये हमारे पास एक हमें सोर्सेस फाइंड करने का प्रोसेस है जिसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं, जब हमें लगता है कि हमें प्री डिटरमाइंड जॉब के लिए रिगार्डिंग कुछ पर्सन चाहिए तो हम रिक्रूटमेंट ही निकालते हैं। हमारे पास प्रोसेस होती है जिस बेस पे हम बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास आएंगे और हम एज पर अवर सिलेक्शन जिन लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जब हमारे पास एज पर अवर डिजायरमेंट या फिर एज पर अवर जॉब एनालिसिस जिन लोगों की जरूरत है उन लोगों को हायर कर लिया जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। लिखा भी है रिक्रूटमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग इन विच द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज डिसाइडेड, प्लानिंग के साथ रिक्रूटमेंट साइड होती है जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट डिसाइड कर लिए जाते हैं कितने पर्सन की हमें जरूरत है। पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के पर्सन पीछे पर्पज क्या होता है, बेस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दी गिवन जॉब, हमारी कंपनी में जो जॉब निकली जाए उनके लिए बेस्ट सुटेबल पर्सन लेके आना, उसके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। फैक्टर गवर्निंग रिक्रूटमेंट, कौन कौन से फैक्टर जो है मैटर करते हैं रिक्रूटमेंट रखने के ऊपर कंपनी में, मतलब रिक्रूटमेंट रखने दो प्रकार के फैक्टर होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल के बाद में, इंटरनल में रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कंपनी की अपनी पॉलिसी कैसे है, किस हिसाब से, बहुत सारी कंपनी साल बाद रिक्रूटमेंट निकालती है तो एक रिक्रूटमेंट की पॉलिसी रहेगी। दूसरा एचआरपी सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम आपका कैसा है कंपनी में, अगर रिक्रूटमेंट होगी तो एचआर डिपार्टमेंट में ऐसे कौन से पर्सन होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे पर्सन बेस्ट निकालने के लिए। साइज ऑफ फर्म, कंपनी का साइज भी मैटर करता है, अगर कंपनी बड़ी होगी तो रिक्रूटमेंट निकलती रहेगी, अभी कंपनी है ही 9-10 पर्सन वाली तो वहां पर रिक्रूटमेंट निकलने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। फिर आता है कॉस्ट, अगर मान लो कंपनी
रिक्रूटमेंट रखने जाएगी तो उनके ऊपर इतनी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये इंटरनल फैक्टर हमेशा देखा जाएगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, किसी कंपनी में अगर रिक्रूटमेंट रखी जा रही है तो हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज आएंगे उनके लिए ग्रोथ करने का कितना चांसेस है। मोस्टली कंपनीज जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है एम्प्लॉयज ग्रोथ करते हैं, हर साल आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। मान लीजिए किसी छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो सैलरी लेवल नहीं बढ़ पाता, लेवल उतना ही होता है। बिजनेस जितना एक्सपेंड होगा उतना ही आपका इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हमारी कंपनी का अपना कल्चर कैसा है, वहाँ पे मैनेजमेंट्स कैसे हैं, वहाँ पे सुपरवाइजर्स कैसे हैं, इंटरनल हम काम किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, ये मैटर हमेशा करते हैं। फिर आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जब रिक्रूटमेंट करने जाओगे तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी देखी जाएंगी। सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट में सप्लाई किस हिसाब से, डिमांड के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयज मिलते हैं या नहीं मिलते, ये हमेशा मैटर है। कंपनी रिक्रूटमेंट रख ले जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, हमारा ऐसा फील्ड है वहां पे वैसे एम्प्लॉयज है ही नहीं, काम करने वाले लोग ही नहीं है वहां पे, उन लोगों को लगता है कि हमने काम ही नहीं करना, हम तो बस इस यही काम कर सकते हैं, तो वहां पे मैटर करेगा। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है तो काम करने वाले बहुत सारे पर्सन मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ही नहीं तो फिर आपको बंदे फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है लेबर मार्केट, अभी लेबर की भी मार्केट में मैटर करती है, आप लोगों को फाइंड करने जा रहे हो, लेबर के रेट चली ऐसे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम कम पैसे में बेस्ट एम्प्लॉय रखें लेकिन मिल नहीं सकते, तो ये भी मैटर करता है। उसके बाद पॉलिटिकल लीगल एस्पेक्ट्स, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, हम जैसे गवर्नमेंट बोलते हैं कि मिनिमम सैलरी इतनी देनी है, आज के टाइम में 8500 सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वे फिक्स सैलरी सभी एम्प्लॉयज को, चाहे आप मैनुअल पे रख रहे हो चाहे नॉर्मल लेबर पे रख रहे हो, आपको देना ही देना है 8500। अभी बंदा बोले बंदा काम ही करने वाला नहीं 8500, हम क्यों 8500 पे करें, तो ये भी कई बार फैक्टर मैटर करते हैं। उसके बाद सन्स ऑफ कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी मिट्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो लोग वहां से बाहर ही नहीं जाना चाहते। मान लो हमारी कंपनी मूव कर गई, पहले लुधियाना में थी, मूव करके अभी हरियाणा में चली जाए अम्बाला में, लोग ऐसे मूव ही नहीं करना चाहते हमारी कंपनी यहाँ पर, सर हम नहीं काम ही नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, तो हमें देखना पड़ता है कि ये जो हमारे लिए अच्छे पर्सन है वहां हमारे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन गुडविल, अगर कंपनी की गुडविल मार्केट में अच्छी है तो लोग मिलेंगे, अगर मार्केट में हमारी गुडविल ही अच्छी नहीं है तो लोग मिलने वाले हैं ही नहीं। फिर आता है हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगर कंपनी में रिक्रूटमेंट रखने जा रहे हो तो किस हिसाब से रिक्रूटमेंट रखो। सबसे पहले तो अगर रिक्रूटमेंट रखनी है तो उसकी प्लानिंग कर लो। प्लानिंग करने का मतलब ये कि कौन कौन से पर्सन किस किस जॉब के लिए किस हिसाब से पर्सन हमें चाहिए, कितने पर्सन चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने चाहिए, कितने टाइम के अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटीज होंगी, क्या क्या उनको काम करने होंगे, सारा कुछ रिक्रूटमेंट प्लानिंग में हो जाना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन हायर करने हैं वो किस हिसाब से होंगे, इंटरव्यू पे बुलाएंगे, कॉलेज में प्लेसमेंट निकालेंगे, या फिर किसी जो हम बोलते हैं जैसे पर्सन के थ्रू हम पर्सन रखने वाले हैं, या फिर एम्प्लॉयज अपने पर्सन को लेके आ जाए, वो स्ट्रेटजी आप पहले से ही डिवेल्प कर लीजिए। उसके बाद सर्चिंग, अगर आपको लगता है कि अपनी स्ट्रेटजी बना ली है अभी जिस हिसाब से पर्सन, फिर आप सर्चिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हम बोलते हैं ना कि एक बार आज की कंपनी में जॉब कैसे चलते हैं, बहुत सारे लोग जो बैठे होते हैं अभी कंपनी में जॉब लगाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा, जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज। अब प्लेसमेंट में हम बोल प्लेसमेंट वाले पर्सन को बोलने की भाई पर्सन भेजना स्टार्ट करो, हमें पर लोगों की जरूरत है, प्लेसमेंट वाले पर्सन भेजते रहते हैं, हम लोग उसमें सर्चिंग करना स्टार्ट कर देंगे हमें कैसा इंटरव्यू चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, कई बार तो महीना महीना लग जाता है, प्लेसमेंट वाले बंदे भेजते रहते हैं, सिलेक्शन ही नहीं होती। रीजन क्या होता है कि जिस चीज की हमें जरूरत है वो बंदा मिल ही नहीं रहा है। फिर आता है स्क्रीनिंग, अगर आपके पास बंदे मिल भी गए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू देने वाले पर्सन आ रहे हैं, सर्चिंग कर रहे थे, आपको लगा कि 5% सिलेक्ट हुए हैं इतने टाइम में, हम उसमें स्क्रीनिंग करेंगे उन 5 में से जिन लोगों ने हमें जब डाटा देके गए हैं कौन से ऐसे पर्सन बेस्ट निकल के आ रहे हैं जो हमारी जॉब के लिए सिलेक्शन वाले हैं। लास्ट में आता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, अगर आपने बंदे को सिलेक्ट कर लिया है फिर अपनी जॉब में रखिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखिए, उसे काम कंप्लीट करवाते चले जाइए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, दो तरह के मेथड होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल के, इंटरनल का मतलब है प्रेजेंट एम्प्लॉयज, अगर हमारी कंपनी में प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं, हमें लगता है कि जॉब कोई है, हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज को हम लोग आगे मूव करवाना चाहते हैं, उसको मोटिवेट करके उसकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयज को आगे लेके आ जाते हैं हम लोग। दूसरा है एम्प्लॉय रेफरल्स, अगर आपको लगता है कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो भी बार बार बहुत लगते हैं, हमारे पास ऐसे पर्सन काम करने वाले हैं या हमारे रिश्तेदार हैं जो काम कर सकते हैं, आप रेफरल बेस पे भी लोगों को हायर कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मर एम्प्लॉयज, कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज जो छोड़ के चले गए थे, अभी आपको लगता है कि उनको दोबारा हायर कर सकते हैं हम लोग, तो उनको भी हायर कर सकते हैं, ये इंटरनल प्रोसेस है, बाहर रिक्रूटमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड उसके बाद प्रीवियस एप्लीकेंट्स मीन्स जो बंदे पहले हमें रिज्यूम दे के बैठे हुए हैं, हम उनके रिज्यूम में से दोबारा लोगों को पहले इंटरव्यू दे के गए थे, सिलेक्शन नहीं हुई, हमें लगता है कि दोबारा उनको बुला लिया जाए तो हम लोग दोबारा भी बुला लेंगे।
एक आती है प्रमोशंस, प्रमोशन का मतलब कि पुराने एम्प्लॉयज को प्रमोट करके नई जॉब पे छोड़ देना, ये भी काम कंपनी में चल सकता है। ट्रांसफर, एक एम्प्लॉय को दूसरी जॉब के ऊपर ट्रांसफर कर देना, ये भी इंटरनल प्रोसेस है। रिटायरमेंट, मान लीजिए कंपनी में जो बंदे रिटायर्ड हुए हैं उनको आप रिटायरमेंट देना नहीं चाहते, कई बार उनको 2-3 साल और काम करवाते हैं, जॉब अलग दे देते हैं, तो रिटायरमेंट पे वो बंदे भी काम कर लेते हैं। इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, कंपनी के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट निकाल दें, जितने एम्प्लॉयज पर काम कर रहे हैं उनको बोल दें कि हमें इस पर्सन की जरूरत है, वो अपनी जान पहचान में से किसी भी पर्सन को लेके आ जाएंगे, तो वो भी कंपनी में काम चल जाता है। इंटरनल एग्जाम, अगर कंपनी के अंदर ही कोई एग्जाम हम रख दें कि एग्जाम दीजिए, जो पर्सन हमें लगेगा सूटेबल है हम उनको अपनी जॉब के ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉई रिकमेंडेशन, कई बार एम्प्लॉयज खुद रिकमेंडेशन पर काम चलते हैं, भी 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारे भी सबसे बड़ा अच्छा काम करने वाले पर्सन इसको आगे कर दे, रिकमेंडेशन पे भी कई बार बंदे को प्रमोट कर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो इंटरनल प्रोसेस है कि कंपनी को बाहर देखना नहीं पड़ता, कम कॉस्ट में अपने बंदों को आगे प्रमोट करके आप कंपनियां नई जॉब पे रख लेती हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को छोड़ के बाहर से जब एम्प्लॉयज को फाइंड करती है, किस हिसाब से, सबसे पहले प्रेस एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है, उन एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं किसी कंपनी में वो जाकर अपने इंटरव्यू देकर जॉब पे सिलेक्शन हो सकते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, कई बार इंटरनेट पे सोशल मीडिया के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट चली जाती है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जॉब कंपनी वाले डालते रहते हैं, आपके पास कोई और मैसेंजर्स हो गए उस पर आप इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, या फिर ईमेल्स हो गया, या फिर वेबसाइट कंपनी डिस्क्लोज कर देते हैं कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो काम चलता रहता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी कंपनीज क्या करेंगे, सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहां पर जाके प्लेसमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहां पे इंटरव्यू रख लेंगे, दो तीन दिन चलता रहता है इंटरव्यू, आप लोग चाहें तो सेक्शन में जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज, आपने किसी प्लेसमेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उस एजेंसी को बोल देंगे आप एम्प्लॉयज भेजते रहिए, हमें जो सेक्शन लगे उसको हम देख लेंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कई बार मैनेजमेंट कंसल्टेंट से भी काम करती है, हमें लगता है कि एक पर्सन ऐसा हमारी कंपनी में पर्सन है जो कंसल्टेंट की तरह काम करता है, उस पर्सन को बोल देंगे एम्प्लॉयज को लेके आओ, बंदा खुद ले आएगा। या फिर एम्प्लॉय एक्सचेंज, जब हम एम्प्लॉयज को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने एम्प्लॉयज को छोड़ दिया, नए एम्प्लॉयज को रख लिया, ऐसा भी कई बार चल जाता है, तो भी काम हो जाएगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रही, आपने कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर पर्सन रखा हुआ है, जो ठेकेदार होते हैं उनको बोलते हैं कि पर्सन लेके आओ काम करने के लिए, ठेकेदार जहां मर्जी से पर्सन इकट्ठे करके लेके आए, तो ये काम भी चलता है। वॉक इन इंटरव्यू, कई बार कंपनी अपनी कंपनी में इंटरव्यू रख लेती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को बोल देंगे कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग इंटरव्यू देने आइए, सब लोगों का इंटरव्यू लेते चले जाते हैं, जो पर्सन की रिक्वायरमेंट रख लेते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं होती उनको पेंडिंग में रख लेते हैं, दोबारा फिर बुला लेते हैं बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी। कैंपस रिक्रूटमेंट, स्पेशल किसी बड़ी कंपनी में जाएं और सभी लोगों के लिए जब आप रिक्रूटमेंट निकालें, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, ऑल ओवर पब्लिक के लिए होता है, आप किसी कैंपस में आइए इंटरव्यू दे सकते हैं, जैसे अभी एलपीयू में भी होता, अभी कोरोना के पहले होता, अभी उसके बाद हुआ नहीं, कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ बंद हो गई थी, चार पांच दिन चला था रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो एलपीयू स्टूडेंट्स हैं वो भी जा सकते हैं, मोर देन 300 कंपनीज, आप मिनिमम 5 कंपनी में इंटरव्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, आपके आपके नेबर जिनको जिन कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं 5 कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो 5 दिनों प्रोसेस चला था, तो कैंपस रिक्रूटमेंट भी ऐसी चलती है, कंपनी इस तरह से बंदों को फाइंड करके ले सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी, अगर आपकी कंपनी में रिक्रूटमेंट अच्छी चल रही है, अच्छी कैसे रिक्रूटमेंट होगी, उसके पीछे क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो कहता है भी रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए, अगर रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप बंदों को क्यों हायर कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए हायर कर रहे हैं, किस जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, या फिर उसको उनको क्या बेनिफिट देने वाले हैं, अगर आपके पास ये चीजें क्लियर नहीं है तो रिक्रूटमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा, नीड्स, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, तभी रिक्रूटमेंट करने का बेनिफिट है। मैं बोलूँ कि मैं ओपन रिक्रूटमेंट कर दूँ, इम्प्लॉयज बहुत सारे इम्प्लॉयज आएंगे इंटरव्यू देने, तो आपकी पोस्ट बढ़ेगी, क्योंकि सभी का इंटरव्यू लेना, सबके बारे में डाटा रखना, आपका अपना टाइम भी खराब होगा, तो टाइम सेव करने के लिए जरूरत है आपको नीड्स पहले से बताना कि इस प्रकार के लोगों की जरूरत है, वही एडवर्टाइजमेंट दीजिए जो पर्सन की आपकी जरूरत है। उसके बाद सोर्सेज, कहाँ कहाँ से आप लोगों को ले सकते हैं, ये पहले से क्लियर होनी चाहिए, अभी आपको सोर्स क्लियर ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं सिर्फ प्लेसमेंट ही करती हैं, स्पेशली ऑफ यूनिवर्सिटी में जाके वहीं से इन्फॉर्मेशन, वहीं जाएंगे वहां से अपने एम्प्लॉयज ले जाएंगे, जैसे बेस्ट कंपनी, जैसे आप चले जाओ नोएडा, बेंगलोर, या फिर आप मुंबई साइड में बहुत सारी कंपनी, जैसे अच्छे अच्छे कॉलेज हो गए, थापर कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, रिम्ट हो गया, एलपी हो गया, तो वहीं पर भी प्लेसमेंट करते हैं, उन्होंने अपना पहले ही परफॉर्मेंस छोड़ के रखा होता है कि हमारे आपके एम्प्लॉयज जो हमें रिकमेंड करेंगे आप लोग, हम उनको हायर आगे करके ले जाएंगे, तो इस तरह से भी चल जाएगा। उसके बाद कोस्टिंग, अगर रिक्रूटमेंट करने जाओगे किस हिसाब से करोगे, इंटरव्यू रखोगे,
कंसल्टेंट बेस पे रखोगे, प्लेसमेंट के थ्रू कराओगे, कॉस्ट तो पड़नी है। जिस पे कंपनी को कम कॉस्ट पड़े तो बेनिफिट उसका ज्यादा लेते हैं कंपनी। लास्ट में होता है फाइंडिंग, अगर आपको वह सारा कुछ सेटअप हो चुका है तो फाइंड करके इजीली बेस पे आप रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर सकते हो। नीड्स क्लियर नहीं है, स्ट्रेटजी बनाई नहीं है, तो रिक्रूटमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। लास्ट में है अल्टरनेटिव टू रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने के अलावा कंपनी में क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं? आप बोलते हैं नई एम्प्लॉई रखने, तो नए एम्प्लॉई रखने के पीछे क्या होता है, कंपनी की जॉब बढ़ गई है या कंपनी में काम बढ़ गया है या फिर ड्यूटीज बढ़ गई है, तो उसके पीछे कंपनी और क्या कर सकते हैं? अगर रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है तो ओवर टाइम करवा सकते हैं। जो कंपनी में आपके पास एम्प्लॉयज हैं, आप नए एम्प्लॉयज मत रखिए। आपको लगता है नए एम्प्लॉय रखेंगे तो मे भी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, क्यों ना कंपनी में 2-3 घंटे ओवर टाइम करवा दिया जाए एम्प्लॉयज को, उनका भी बेनिफिट हमारा भी बेनिफिट, काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एम्प्लॉय लीजिंग, अगर एम्प्लॉयज को हम लीजिंग ठेके पे ले लें, ठेकेदार पर्सन को बोल दें भाई परमानेंट जॉब नहीं है, जब रिक्वायरमेंट होगी तब आपको बोल दिया जाएगा, आप पर्सन लेके आ जाना, हम काम कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद अपन बंदों को छोड़ देंगे, ये काम भी हो सकता है। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, कई बार कंपनी मान लीजिए कंपनी में काम है कई महीने के लिए, हम लोग टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पहले लोगों को रखने के लिए बोलते हैं भाई आपको कंपनी में सिर्फ 1 साल के लिए रखा जाए, फिर 1 महीने के लिए रखा जाएगा, ये भी कंपनी काम कर सकती है। उसके बाद आता है आउटसोर्सिंग, अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयज हमें नहीं चाहिए, किसी एजेंसी के थ्रू हम लोग कुछ पर्सन बुला लेंगे जो हमारी कंपनी में काम करेंगे, उसके बाद काम खत्म होगा, उसके काम खत्म करने के बाद उनको फ्री कर देंगे, तो ये काम भी कंपनीज कर सकती हैं जब उनको रिक्रूटमेंट नहीं करना हो। ये था आपका टॉपिक रिक्रूटमेंट वाला भी जो हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा हो जो पूछने वाले को वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? हायरिंग इन्वॉल्व्स ब्रॉडली टू प्रोडक्टिविटी स्टेट्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब आप किसी एम्प्लॉयज को हायर करने जा रहे हो तो 2 कैटेगरी होती है, पहले एम्प्लॉयज को इंटरव्यू में लेके आओ, मीन्स उसकी रिक्रूटमेंट करो, उसके बाद उनको सिलेक्शन करो। जब आपने लोगों का इंटरव्यू ले लिया, प्लेसमेंट कर ली, या फिर कैंपस में चले गए, रिक्रूटमेंट रख लिया, आपने एजेंसी के थ्रू पर्सन बुला लिए, उनमें से किन लोगों को पर्सन को सिलेक्ट करना है उस टाइप को बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन। इन्होंने लिखा भी है इट इज द प्रोसेस विच हेल्प द इवैल्यूएटर टू मेक डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब। एक ऐसी प्रोसेस है उसमें जिसमें इवैल्यूएटर को डिसाइड करना होता है कि कौन से पर्सन जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं, कौन से पर्सन नहीं सिलेक्ट हुए हैं। हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का एग्जाम दे दो, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन सिलेक्ट किनको करना है वो फॉर्मेट सेट करते हैं, नंबर ऑफ कंडीशन में सेटअप कर लेते हैं वो लोग, किसी के नंबर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, डिफरेंट टाइप्स अलग अलग आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, इसमें डिटेल में बताया। सबसे पहले कहता प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, अगर आप सिलेक्शन करने जा रहे हो तो लोगों का पहले अगर आप इंटरव्यू ले लो, जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगे, नीड्स होंगे, वो इंटरव्यू में क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि जब बंदा आपके साथ बातचीत करने बैठेगा, आई कॉन्टेक्ट में क्लियर करेगा तो क्लियरेंस हो जाएगी किन पर्सन को आप रखना है। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू नहीं करना, आप सिलेक्शन टेस्ट लग सकते हैं। सबसे पहले एबिलिटी टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट का मतलब है उसको बंदे को बताना चाहिए कि जिस जॉब के लिए बुलाया गया उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टेस्ट दे दो, क्या बंदा वो काम कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो एप्टीट्यूड टेस्ट, कुछ ऐसे लर्निंग गिवन क्राइटेरिया दे दो बंदा पढ़ के आए उस टेस्ट में। जैसे हम लोग आज के गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, हम लोगों को हमारी स्टडी जिस जॉब के लिए रखना है वो टेस्ट नहीं होता। लर्निंग मटेरियल दे देंगे कि आप लोग कंप्यूटर को रीड करके आइए, जनरल नॉलेज लेके आइए, या फिर रीजनिंग करके आइए, मैथ करके आइए, हम क्वेश्चन डालेंगे जो बंदा उसमें क्लियर होगा उसके बाद उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर उसको सिलेक्शन करवाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट, वर्किंग एनवायरनमेंट किस प्रकार के बंदों की जरूरत है, उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। अभी आप कंपनी बोल देंगे हमें तो भाई फॉर्मल ड्रेस वाले पसंद चाहिए, अब बंदा वहाँ पे जींस वगैरह पहन के घूम रहा होगा, पता नहीं है, वही कंपनी में क्लियर हो जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब हम कोई एक्टिविटीज रख लेंगे जिस बंदे की परफॉर्मेंस में अच्छी होगी। बहुत सारी कंपनी एक्टिविटीज, मैंने बोला कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग इंटरव्यू करते हैं तो एक्टिविटीज पे पहले चेक कर लेंगे बंदे की एक्टिविटी किस हिसाब से है, तो बंदे उसमें भी चेक कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा कि ग्रेफोलॉजी टेस्ट, ग्रेफोलॉजी मीन्स हैंड राइटिंग वगैरह चेक कर लें बंदे। हमें पता है कि हमारी कंपनी में ज्यादातर मोस्टली काम लिख कर ऑर्डर भेजने का है, अब बंदा कोई हेड डॉक्टर जैसा जिसको आगे पढ़ाया नहीं जा सके तो उसको हम चुनती नहीं रखने की, बंदे को पहले रखेंगे। उसके बाद लिखा कि पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब होता है कि जब बंदे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला जाता है किसी टॉपिक के ऊपर। अभी बहुत सारी कंपनियों में जाओगे ना, कंपनी में सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि आपको हमारी कंपनी में क्या नॉलेज है। बहुत सारे लोग सिर्फ इंटरव्यू देने चले जाते हैं, कंपनी की नॉलेज लेके नहीं जाते, पता नहीं होता कंपनी में क्या काम चल रहा है, कब से चल रही है कंपनी, क्या प्रोसेस है। अगर उसकी स्टडी करके जाओ तो एक बेस्ट इम्पैक्ट होता है, सिलेक्शन उस बेस पे भी हो जाती है। कंपनी में पूछ लेते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हमारे बारे में आपको क्या क्या पता है, हमारी कंपनी में क्या पता है, पता ही नहीं होता, से आपको पता लगा जी इंटरव्यू, हम लोग इंटरव्यू देने आगे बोला ठीक है अभी बैठे होगी, देखते हैं कि अच्छा कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रख लेंगे आपको। उसके बाद आते हैं चूजिंग टेस्ट, हम जो भी मतलब ये टेस्ट रखेंगे सिलेक्शन टेस्ट, उसमें सिलेक्ट देखेंगे कि रिलायबिलिटी, सेम रिजल्ट हमें जो चाहिए वो मिला या ना मिला, हम संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है। सेकंड उसमें देखेंगे वैलिडिटी, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी वो परफॉर्मेंस लगातार हमारे साथ चल सकती है नहीं चल सकती,
ऑब्जेक्टिविटी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो फुलफिल हो गए हैं तो हम बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं फुलफिल हुए तो बंदों को छोड़ देते हैं। उसके बाद कहता आप काम कर सकते हैं रेफरेंस और बैकग्राउंड में, अगर आप लोगों को किसी ने बोला या फिर आपकी कंपनी बैकग्राउंड पर्सन है उनमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू रख लेंगे तो भी पर्सन आपके पास आएंगे तो भी सिलेक्शन हो सकती है। सिलेक्शन का डिसीजन आपने डिसाइड करना होता है कि आपके पास क्रूशल कौन से स्टेप है जिस बेस पे बंदों को सिलेक्ट करने जाओगे। मैं बोलूं कि आपकी अभी तो चलो बैंक में खत्म हो गया इंटरव्यू, बैंक की जॉब होती जैसे IBPS निकालता था इंटरव्यू होते थे, बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब जाना अभी भी इंटरव्यू होता है, उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर उसको रखा जाता है जो बंदा मतलब 4-5% सामने इंटरव्यू में बैठते हैं, जो उनके हिसाब से आंसर दे गया या तो आप फ्री मत हो, मतलब ना तुमने हाथ पर लाओ ना आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, जो उनके हिसाब से आंसर दे जाता है बल्कि फ्री माइंड में उनको सिलेक्शन करते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग पास होते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग रख लेते हैं। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, आप किसी बंदे को कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ये भी सिलेक्शन में टाइप है। मान लो आप किसी कंपनी में, बहुत सारी कंपनी अच्छी क्या करती है, जब सिलेक्शन हो जाता है ना बंदों का तो उनको फिजिकल टेस्ट में भेजते हैं, किसी लैब उन्होंने अपने सिलेक्ट करके रखी होती है उस लैब पे जाइए आप टेस्ट करवा के लीजिए, आपका नॉर्मल ब्लड ग्रुप डायबिटिक नॉर्मल जो छोटी छोटी बीमारी उनके टेस्ट करवा लेते हैं, अगर बंदा सभी टेस्ट में क्लियर हो जाता है उसको रख लेते हैं, जो बंदा एक आधे टेस्ट में भी फेल हो जाता है उनको बाद जैसे अभी मान लो फौज की जॉब कर रही है फौजी बनना है आपका अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो चुका है सबसे पहले आपको भेजा जाएगा वो अपने लैब में भेजेंगे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल उन्होंने सिलेक्टेड होंगे उसमें भेजेंगे आपका अकेले अकेले चीज का टेस्ट होता है आंख कान नाक बाइदा भी हल्का सा भी 1% भी कोई प्रॉब्लम किसी में से निकल जाती है उस बंदे को नहीं जाती रेयर है किसी फौजी से पूछ लेना ये टेस्ट बहुत तरीके से करते हैं हम लोग। जॉब ऑफर आप लोग जब कभी अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को जॉब ऑफर कर दो कि आप हमारी कंपनी में हम आपका प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अगर ऑफर बेस पे आपको लगता है बेस्ट इम्प्लॉइज है तो उसको ऑफर करके भी आप रख सकते हैं सिलेक्शन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई कंपनी में 4 साल कम से कम काम करना है, 4 साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। मान लो किसी अच्छी जॉब में आजकल कंपनी में चलता है अगर किसी पर्सन को अच्छी कंपनी में सुपरवाइजर रख रहे हो या फिर मैनेजर रख रहे हो तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कम से कम 1 लाख रुपए आपको हमें देना पड़ेगा, हमारी कंपनी जो करना है हम आपको 1 लाख का ब्याज देंगे हर साल, आपका पैसा जाएगा नहीं 5 साल बाद आपको वापस कर भी देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बंदा जो बोले यार मुझे कंपनी में जब काम करना तो मैं दे देता हूँ मेरे पास है तो ऐसे इम्प्लॉइज भी कई बार कंपनी में इम्प्लॉयमेंट में चल जाते हैं। इवेल्युएशन का मतलब होगा कि जब आप लोग हायरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं खुद वैल्यूएशन फाइंड करना चाहते हैं उसको इवेल्युएशन प्रोसेस को भी बोलते हैं हम लोग, इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन में ये पॉइंट दोबारा फिर आगे लेके आए बैरिज टू द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में कहता भी रुकावटें क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले परसेप्शन जब आपको कहता इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि आप लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं तो सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो सकती, आपको पहले इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए किन लोगों को आपने फाइंड करना है। दूसरा फेयरनेस, जब आप सिलेक्शन करने जा रहे हो तो सब लोगों के साथ एक जैसा बिहेव करना जरूरी है, जितने भी लोग इंटरव्यू देने आएंगे जिन लोगों को आप सिलेक्ट करने जा रहे हो सबके साथ एक जैसा बिहेवियर रखो, सबको क्वेश्चनिंग ऐसे ही क्वेश्चनिंग नहीं भी सेम होनी चाहिए, मतलब सबको आप एक तरीके से अटेंड करो, सबको एक जैसा बिहेव करके बिठाओ, सबको गाना गुना जो भी करवाना चाहते हो मीन जब बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए फेयरनेस होना चाहिए तब बंदे सिलेक्शन इजिली बेस पे हो जाएंगे। रिलायबिलिटी एवरी टाइम सेम रिजल्ट, अगर हर बार आपका सेम रिजल्ट आ रहा है जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है तब आप सिलेक्शन कर सकते हो, आप संतुष्ट होगे तभी सिलेक्शन होगी। वैलिडिटी, अगर आपको लगता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मशीन के लिए जरूरत है वो वैलिडिटी हमारे साथ मैच कर रही है तो पर्सन रख लीजिए। ऑब्जेक्टिविटी, जो आपकी कंपनी के गोल्स हैं वो भी कंप्लीट हो रहे हैं तो पर्सन को रख सकते हैं, अगर नहीं हो रहे तो कंपनी सिलेक्शन छोड़ देंगे। मेकिंग दिस सिलेक्शन इफेक्टिव, अगर किसी कंपनी में सिलेक्शन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं माइंड में रखने होंगे। सबसे पहले पोस्ट पर हायर, अगर किसी पर्सन को रखने जा रहे हो इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी वो पहले से क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज में जब भी एम्प्लॉइज के इंटरव्यू रखने जाते हैं तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस बंदे को हम लोग सैलरी कितनी देंगे, क्योंकि जो बंदा किसी पुरानी कंपनी छोड़ के आएगा उसकी डिमांड बहुत होती है, बंदा 15 से क्या मतलब मैं तो 20 से 25 लूंगा, कंपनी ने अपनी स्किल रखी होती है 15 से 20 तक के बीच भी रख लेंगे, जरूर करते हैं अभी आना कहानी इस चीज में काम कर लो बढ़ कर लो, लेकिन आपकी जो डिमांड है जो बोला हमने 30 में जाना है तो ऐसा नहीं कि आपकी डिमांड को कम्प्लीट कर देंगे हमें इमरजेंसी बेस रिक्वायरमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं आगे पीछे कर सकते हैं। फिर होता है टाइम टू हायर, जिस पर्सन को आपने हायर करना है कितने टाइम में हायर कर सकते हैं, तो किसी बंदे एम्प्लॉय कंपनी में इमरजेंसी बेस पे पर्सन की जरूरत है फिर तो कुछ भी चलेगा, अभी कंपनी कॉस्ट भी पे कर सकते हैं, अभी कंपनी लगता है कि टाइम है हमारे पास कुछ पर्सन जो हमारा काम कम्प्लीट करवा रहे हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग पर्सन को तो कंपनी को बेनिफिट हो सकता है उसका। पेमेंट टू द कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंट को कितनी पेमेंट देंगे, अगर किसी बंदे से पर्सन लोगों को लेके आ रहे हैं उनको कितनी पेमेंट देनी है, अगर जरूरत ही नहीं तो कंसल्टेंट को पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंसिव रिकॉर्डिंग, कितने खर्चे होंगे जिनकी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट कंपनी करती है तो कंपनी के खर्चे होते हैं, जब रिक्रूटमेंट बैठेंगे उनकी फीस,
जो एम्प्लॉय आएंगे उनको बिठाने का खर्चा, मे भी उनको चाय पानी का खर्चा, हो सकता है पूरा दिन लग जाए रिक्रूटमेंट करने में, टाइम जो वेस्टेज होगा वो खर्चे कंपनी के लगते हैं। क्वालिटी ऑफ हायर, जो लोगों को आप रखने जाओगे क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी भी डिपेंड करती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायर, कॉम्पिटेंसी मीन्स आपको कॉम्पिटिशन लेवल जैसा चाहिए, कौन से ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे जिनको आप रखना चाहते हैं, उसमें रोल रिलेटिव होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको कॉम्पिटेंस, आपको पता है कि मुझे ऐसा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय चाहिए, क्या क्या काम करने वाला पर्सन चाहिए आपको, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन को बेस्ट कर सकते हो। फिर आता है सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन, कंपनी में जो बंदों को सिलेक्शन करना है उसके इंस्ट्रक्शन कैसे चाहिए। पहले टॉप मैनेजर बता दिए कि इस तरह का पर्सन हमें चाहिए, जैसे मैं बोलूँ कि बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस अपने फील्ड में उसने पहले स्टडी की हो, ऐसा नहीं कि फील्ड कभी हो रहा आप नई फील्ड में उसको रख दें, ये चीज पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो सिलेक्शन को प्रोसेस को इस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, अगर आप ये चीजों को क्लियर नहीं करते तो सिलेक्शन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। ये था आपका टॉपिक जो हुआ सिलेक्शन का, कोई पॉइंट ऐसा हो तो पूछने वाला, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग कर सकते हैं।